बधाई सर जोधपुर प्रदेश की तरफ से, आपको दायित्व दिया गया है, सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या प्रथम कदम रहेंगे आपके और क्या क्या दायित्व रहेंगे? देखिए, अभी दो दिन पहले ही भजनलाल जी की पूरी टीम का गठन हुआ है, सबको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और प्राथमिकता है कि पूर्ववर्ती सरकार के जो तमाम मुद्दे घोषणा पत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, सड़क से सदन तक अलग अलग समय पर आंदोलन के जरिए और विरोध जता करके हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध भी किया और जनता ने उस चीज़ का साथ भी दिया और पूर्ण बहुमत की 115 सीटों की सरकार बना करके भजनलाल जी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया और उन्होंने अपनी टीम का गठन भी किया, अलग अलग क्षेत्र के सारे, हो सकता है जितना उन्होंने जातीय समीकरण के को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पूरे क्षेत्र को, अलग अलग वर्ग के लोगों को, युवा को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको अपनी टीम में लेकर के और आगे जो जो घोषणा पत्र के अंदर बातें बताई गई है, भारतीय जनता पार्टी सदैव चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, अलग अलग जगह पर सरकारें बनी हुई है और घोषणा पत्र के आधार पर ही जनता को जो वादा करती है उसी के ऊपर कार्य करती है। आपको उद्योग मंत्रालय मिला है और हैंडीक्राफ्ट उद्योग जोधपुर में मंडरासन स्थिति में आ चुका, कंटेनर नहीं ला रहे हैं, उनके लिए विशेष क्या हैंडीक्राफ्ट उद्योग को आप मौका देंगे, किस तरह से आगे? देखिए, उद्योग मंत्रालय काफ़ी बड़ा विषय है और हस्तशिल्प भी उसमें से एक विषय है जरूर आप जो बता रहे हैं, लेकिन वो सारा ग्लोबल मंदी का उस पर असर है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो लगभग बात करें तो सारे ही धंधों में कोई कमी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी का उस धंधे पर असर है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? देखिए, अपन उम्मीद करते हैं कि विश्व के अंदर बढ़िया शांति हो, विश्व का कल्याण हो, हैंडीक्राफ्ट के निर्यातकों को भी अच्छा होगा। युवा खेल मंत्रालय भी मिला हुआ है, स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा? देखिए, पूर्व में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं की गई थी, वैसे ही एक नवाचार विधेयक खेलकूद प्रतियोगिता का जल्दी करने का एक नवाचार हम करेंगे। रिफाइनरी जो है वो इंडस्ट्री में आती है और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं, रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट था, आपको क्या लगता है कितना समय उसमें लगेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हिंदुस्तान के बड़े जो प्रोजेक्ट है इसको माना जा रहा है? पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत वो आती है और उसके लिए कार्य प्रगति पर है, अभी तक काफ़ी समय लग रहा है और रोजगार तो आज भी वहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम में भी राजीव भाई अपन वहाँ पर थे, तो जब से मोदी जी आए हैं वहाँ पर शिलान्यास किया है, उसका कार्यक्रम काफ़ी कार्य काफ़ी प्रगति पर चल रहा है, अभी तक लग रहा है कि कुछ वर्ष और लगेंगे लेकिन रोजगार काफ़ी अच्छा वहाँ पर उम्मीद करते हैं। देखिए, जनता जनार्दन के फैसले के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो जनता का फैसला है। पिछले दो दिनों से बाढ़ में पूरे देश और विदेश में छाया हुआ है, जिस तरह से पूर्व विधायक, क्या लगता है आपके बाड़मेर का नाम जिस तरह से? देखिए, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। अच्छा, 100 दिन का जो आपको आपके विभाग ने कोई योजनाएं तय की है जो 100 दिन का सरकार? देखिए, SIT का गठन हुआ है, टास्क फोर्स बनाई गई है, अन्नपूर्णा योजना जिसमें 450 ग्राम ही भोजन एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को दिया जाता था, उसको भी 600 ग्राम करके और एक नवाचार किया है और कल का पेपर भी आपने देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के चली थी, कल का पेपर भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। एक महीने में जो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई वो एक महीने के अंदर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ है। पेमेंट नहीं हो रहा है, इनका अन्नपूर्णा का बंद हो गई है जोधपुर में तो कई, और 200 से ज्यादा कूपन नहीं काटे जा रहे, ये बड़ा एक आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के आने के बाद। देखिए, अभी मंत्रालयों का अभी विभाग सारे बांटे गए हैं, चीजें जैसे जैसे ध्यान में आएगी उसको और भी अच्छे तरीके से। सर, आपके पास स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स है आपके पास और जोधपुर में लंबे समय से डिमांड रही है मैचों की, IPL की मैचों की, करेंगे इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, अभी मात्र कुछ 48 घंटे हुए तो ये विषय सब अभी प्रक्रिया के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद।